हेलो एवरीवन। और ये मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, जिसमें कि ये इडली बनी थी रात में, तो मैंने उसको फ्राई किया है प्याज करी पत्ता राई से। और उसको मैं चाय के साथ ले रही हूँ क्योंकि मुझे मम्मी के साथ जाना है कहीं पे, काम मेरा है बट हम लोग को जल्दी निकलना है। और ये वो जगह है, ये है कानपुर यूनिवर्सिटी, आप आगे देखेंगे, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर हम लोग बैठे थे, और यहीं पर मेरा काम होना था। बाद में ये पूरा कचाकच भर गया था, अभी तो आप ने जैसा भी देखा। एंड ये उसके बाहर का था, मेरा काम हो गया था, मैं निकल आई थी, सबसे पहले मेरा काम हो गया था, मतलब दूसरे तीसरे नंबर पे। एंड ये उसके बाहर का पूरा मैंने शूट कर लिया। ज़्यादा मैं बोल नहीं पाई वॉइस ओवर में, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए वहाँ पर हायर एजुकेशन के लोग थे, एंड मैं उनके सामने कोई ऐसा कुछ व्लॉगिंग नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने जस्ट शूट किया। और मैंने सोचा कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी, ठीक नहीं लग रहा था वहाँ पर इस तरह से करना। तो इसके बाद फिर हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ कि यूनिवर्सिटी, ये हम नीचे आ गए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, जिस हॉल में हम थे इंटरनेशनल बिल्डिंग में, ये वहाँ का नीचे ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर अभी मम्मी बात कर रही हैं, एंड गाड़ी बस आ ही रही थी। अच्छी बात ये थी कि ना गाड़ी यहाँ तक मतलब यहाँ तक छोड़ गई थी हमें। हाँ, और यहाँ से फिर हमने वापस बुला लिया था पार्किंग से, तो मम्मी को ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। वो इसी बात से डर रही थी कि कानपुर यूनिवर्सिटी में बहुत चलना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ से ड्रॉप किया और फिर गाड़ी पार्किंग में लग गई, देन हम वापस फिर यहीं से ही बैठ गए। तो कम से कम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ शूट करने की, वो बिल्डिंग दिखाने की कर रही हूँ, बट सामने गार्ड बैठा था ना, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था और वो घूर रहा था मुझे क्योंकि मैं कैमरा ली हुई थी। तो मैं भी, जब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस बिल्डिंग में थे। एंड कानपुर यूनिवर्सिटी में कई बार आई हूँ बट इस वाली बिल्डिंग में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। एंड बिलीव मी, बहुत मेंटेन है कानपुर यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सेंटर है, इसी में मैं गई थी। जैसे तैसे मैंने कार के अंदर से ही शूट किया है, और यूनिवर्सिटी के काफ़ी अंदर आकर ये था, कुछ एक दो चौराहा क्रॉस करने के बाद, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ओला वगैरह से आते, कैब से आते, तो कैब तो हमें बाहर छोड़ के जाती है। एंड मैं अकेले होती तो इट्स ओके, बट मम्मी थी साथ में, तो उनको पैरों में थोड़ा इशू है, तो इस वजह से यहाँ तक आए हम लोग उनके साथ। और ये मैं बाहर का दिखा रही हूँ, ये देखिए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, एंड बहुत अच्छी है, मुझे कानपुर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत दिन बाद आई मैं, बहुत सालों बाद आई, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेट्रो का काम पूरा हो चुका है, मेट्रो चल रही थी और बहुत अच्छा बन गया था। एंड ये मैं आपको दिखा रही हूँ, वहाँ से फिर हम लोग लौट के गए थे हमारे घर, जहाँ हम लोग ने पूरा बचपन निकाला है, एंड यहीं से मेरी शादी हुई। ऐसा नहीं है कि हम बस उसी घर में ही पैदा हुए, वहीं पे बड़े हुए, नहीं, हम ये देखिए, ये है हमारा पुराना घर, हमने पूरा बचपन यहीं पर निकाला है। अभी ऑलमोस्ट 3:44 हो रहा है, और जैसा कि आपने देखा होगा पीछे अभी क्लिप में कि हम लोग उधर चले गए थे, और वो नोटरी वाला नोटरी क्या समथिंग कराना था स्टैम्प पेपर पे, तो उसमें वो धूप में खड़े होके कराया उधर पुल के नीचे। बहुत ऐसे तबीयत से ख़राब हो गई है, और समोसा खाया था रास्ते में, बट अब ऐसा लग रहा है गिर जाएंगे, क्योंकि उठे थे सुबह 5:15 पे, मैं उठती हूँ डेली स्कूल भेजने के लिए, और तब से मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है। अब मेरी हालत हो रही है ख़राब बहुत ज़्यादा, तो अभी देखती हूँ। आज वैसे कुछ काम नहीं है, आज मुझे रनिंग पे भी नहीं जाना है, आज मैं अभी जाऊँगी घर, बच्चे आ गए होंगे, जाऊँगी मैं और सो जाऊँगी, मुझे लगता है मुझे खाना भी नहीं खाऊँगी मैं। तो मैं घर आ गई थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब सी हो गई है, और टाइम हो रहा है मतलब ऑलमोस्ट 8 बज गया है, और कोई जो है सो रहा है, शाम का होमवर्क मिला है, बट पता नहीं कौन होमवर्क करेगा, पता नहीं, शायद मम्मा ही कर दे किसी की। कुछ लोग सुबह भी नहीं उठते हैं सो के, और शाम को तो उठते ही नहीं है, कहते हैं छोड़ो मुझे, है ना, गोलू गोलू गाल दिखते रहते हैं ऐसे, और लोग उठते ही नहीं है शो के, शो के लोग उठते नहीं है। तो एक्चुअली मैं
आज जो मैं गई थी वहाँ पर जो मेरा नेट है सर्टिफिकेट है उसका अनुमोदन था। ये हो जाता है बहुत पहले ही, जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद ही करा लेना चाहिए। बट जैसा कि मेरा पास रहा है तो पहले मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। और जब पता चला तो काफ़ी लेट हो गया था, 7-8 साल हो चुके थे ऑलमोस्ट, तो लेट हो गया था। उसके बाद फिर कई कोशिशें हुई, कई कॉलेज से बात हुई, बट जो सबसे पहले दिन से बात हुई तो वो उन्होंने जो है मतलब कि इस ये कराने के बजाय कुछ और ही बातें करनी स्टार्ट कर दी कि हमें कॉफ़ी पे बुलाइए, हमें कॉफ़ी पे ले चलिए, हमें कानपुर घुमाइए। तो फिर मैंने उस जगह को, उस नंबर को ही हटा दिया, डिलीट कर दिया मोबाइल से। और फिर एक दो जगह और भी बात हुई, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने प्रिपेयर कर लिए, बट होते 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 चीज़ रह गई। उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब मैंने कोई उम्मीद ही नहीं करी कि अब मेरा होगा। एंड मुझे कराना भी नहीं था, मैंने कहा था मैं इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करूँगी अब। देन अचानक से 2 दिन पहले मुझे पता चला, और उस दिन से बस कि ये है कि ये चीज़ करानी है, मेरे पास कॉल आई तो फटाफट पेपर वर्क वगैरह कुछ हुआ और आज गए वहाँ पर मम्मी के साथ और हो गया मेरा फाइनली। तो पता नहीं, मुझे इतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी बाकी लोगों को खुशी हो रही है, क्योंकि जितने भी लोगों से बात हुई मेरी, जितने भी प्रिंसिपल थी और प्रोफेसर एंड PhD जिन्होंने कर रखी है, डॉक्टरेट कर रखी है, उनसे बात हुई, वो सब बहुत खुश थे कि आप बहुत खुश होंगी, आपकी मम्मी बहुत खुश होंगी। बट मम्मी खुश हैं बट मुझे नहीं खुशी अभी, पर पता नहीं क्यों कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बट ये हो रहा है कि हाँ एक बहुत बड़ा काम था, हल्का हो गया है और कोई शायद उठने की कोशिश भी कर रहा है। मेला छोटू कब उठेगा, छोटू मेला कब उठेगा। मोरी रात में नहीं सोना है, रात में नहीं सोना है बाबू, रात में कौन सोएगा। मम्मा सोएगी और आप जगोगे, कहोगे मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे स्टोरी सुनाओ। तो क्या मैं जग के स्टोरी सुनाऊंगी? बोलो 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 बोलो, उठो 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 उठो। तो मेरी जब मैं नोटरी वगैरह वाला काम करा रही थी गर्मी में धूप में, तो वहाँ पर मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। ओके, वहाँ से मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई और घर आते आते क्योंकि और काम मम्मी निपटा रही थी तो मुझे बस घर आना था, उसको आने में देर हो गई और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अभी मेरा क्या है ना कि जी मिचला आ रहा है, बस जी मिचला आ रहा है, तो इसलिए मैं अभी ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर बार यही बोलती हूँ और फिर व्लॉग डालना बंद कर देती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यूस व्लॉग्स पोस्ट करूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय। और मैं इसको उठाती हूँ, देखूँ ये कब तक उठेगी लड़की। तो चलिए बाय बाय फॉर नाउ।